चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ कॉर्नर में ऊपर ट्री नीचे ट्री करके 6 रिंगम गैपिंग रखना है। उसके बाद हम यहाँ सूता को लगाना है। उसके बाद हम यहाँ फिर से यहाँ ऊपर 6 नीचे 6 करके टोटल 12 गैपिंग रखेंगे और फिर कलर चेंज करेंगे। ऊपर 6 नीचे 6 करके सेम प्रोसेस में सिर्फ आपको कलर चेंज करना है। 6 करके ऊपर 6 नीचे 6 टोटल आपको 12 गैपिंग रखना है। यहाँ देखिए इसमें मैंने रखा है 6 रिंगम ऊपर 3 नीचे 3 दिया हो 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 नीचे 6 करके बाकी सबको गैपिंग रखना है ऐसे करके। ये देखिए ऐसे सिर्फ कलर को चेंज करना है। तो ऐसे करके हमें सब में लगा लेना है। हमने सब में लगा लिया है। ये देखिए 2 2 6 6 ऊपर 6 नीचे 6 टोटल। इसके बाद 2 बार पकेडिंग करना है। अभी होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें 2 2 रिंगम डिवाइड करना है। 2 रिंगम उस साइड, 2 रिंगम इस साइड, 2 रिंगम उस साइड, 2 रिंगम इस साइड। ऐसे करके हमें 2 2 रिंगम उठा के डिवाइड करना है। तो अभी हम ये देखिए 2 बार पलकदुम करने के बाद आर्म को रिंगम को इस तरह से एकदम करना है। ये देखिए सो अभी होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें मिडिल का 2 रिंगम उठा के क्रॉस करना है। ये देखिए मिडिल का दोनों रिंगम को उठा के हमें सूता को क्रॉस करना है। अभी स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें दोनों रिंगम को उठा के अंदर साइड, 2 रिंगम उठा के अंदर साइड। फिर ये भी सेम प्रोसेस, 2 2 रिंगम उठा के सूता को अंदर साइड लेकर जाना है। अभी स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें 2 रिंगम उठा के इस साइड लेकर आना है। 2 रिंगम उठा के इस साइड, 2 रिंगम इस साइड, 2 रिंगम इस साइड, ऐसे करके 2 2 रिंगम उठा के सूता को डिवाइड करना है। उसके बाद अभी हम और एक सूता लगाएंगे। यहाँ देखिए एग्जैक्ट अंदर का जितना है उसको उठा के पहले का फूल का सूता का दोनों बीच में रिंगम 2 गैपिंग होना है। ये देखिए ऐसे करके 2 ही गैपिंग होना है। तो फिर हम फिर नेक्स्ट वाला को भी लगाएंगे। टोटल आपको 10 रिंगम गैपिंग रखना है। ऐसे करके हमें सब कलर में एक एक सूता लगाना है। अभी होगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें फिर से शुरुआत में जैसा बनाया था वैसे ही हमें 2 2 डिवाइड करना है। 2 2 रिंगम उठा के सेम यही पोल को बनाना है। अभी लेकिन एक ही कलर से 2 फूल निकल गया है तो हमें 2 2 डिवाइड करना है। अभी स्टेप 6। स्टेप 6 में पहले जैसा ये भी सेम प्रोसेस, 2 2 रिंगम उठा के क्रॉस करना है। मिडिल का 2 2 रिंगम को उठा के हमें क्रॉस करना है। फिर से हमें यही सेम पोल को बनाना है। लेकिन मैं वापस शुरू से बता रहे हूँ आपको 2 2 रिंगम उठा के क्रॉस करना है। स्टेप 7। स्टेप 7 में हमें फिर से 2 2 रिंगम उठा के अंदर साइड सूता को, 2 रिंगम उठा के अंदर साइड, 2 रिंगम उठा के अंदर साइड, 2 2 रिंगम उठा के हमें अंदर साइड लेकर जाना है सूता को। स्टेप 8। स्टेप 8 में हमें देखिए एक साइड सूता को हमें नीचे नाम आना है 2 रिंगम का साइड से और एक को 2 रिंगम उठा के अंदर साइड, बीच में 2 रिंगम गैपिंग होना है। एक को नीचे नमाएंगे और एक को नीचे नमा के एक को अंदर साइड लेकर जाना है। पहले शुरुआत का सेम पोर्शन में लाना है। देखिए फिर से करके दिखाएंगे। ये एक साइड को अंदर साइड, एक साइड को नीचे नमाएंगे। इसको भी सेम प्रोसेस, एक साइड को अंदर साइड, एक साइड को नीचे। अभी स्टेप 9। स्टेप 9 में हमें पहले का फूल को ही बनाना है। ये नीचे का फूल को 2 2 रिंगम डिवाइड करना है
ऐसे करके हमें दो दो रूम डिवाइड करके फिर से बनाना है। स्टेप टेन, स्टेप टेन में फिर से हमें अंदर का दोनों रूम उठा कर क्रॉस करना है। ये देखिए, इसको उठा के क्रॉस करना है ऐसे करके। और अब स्टेप इलेवन में फिर दोनों रूम को अंदर साइड, दो दो रूम उठा के सूता को अंदर साइड, ये देखिए दो दो रूम उठा के अंदर साइड लेकर जाना है। सो उसके बाद अभी स्टेप 12 में हमें नीचे नमा लेना है दोनों रूम बूम का, साइड साइड से हमें नीचे नमा लेना है। ये ऊपर का पुल को मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बना के दिखाया क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने बना दिया है शुरुआत में। बहुत ही सिंपल है, एक ही पुल को ही हमें बनाना है। सो फाइनली हमारा ये पुल कम्प्लीट हो चुका है। सो आप ये सिर्फ को भी बना सकते हैं पोरेंग का मोगुल में, ज़्यादा आपको पुल नहीं चाहिए बोलने से। तो ऐसे करने के बाद हम यहाँ फिर से नेक्स्ट पुल को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से ये एक ही डिज़ाइन को हमें 4 टाइम फुल बना लिया है हमने। उसके बाद हम यहाँ देखिए एग्जैक्ट ये रिनबूम से जहाँ तक ये एंड होता है यहाँ से हमें सूता को वापस लगाना है 2 बार पकेरुंग करने के बाद। ये देखिए एग्जैक्ट सेम प्रोसेस से लगाना है यहाँ से। तो चलिए हम नेक्स्ट फूल को बनाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ जहाँ तक ये दूसरा फूल एंडिंग हुआ था वहाँ का एग्जैक्ट रिनबूम को उठा के लगाना है। ये देखिए यहाँ से एग्जैक्ट हमें 2 बार पकेरुंग करने के बाद ये दोनों रिनबूम को उठा के सूता को लगाना है। स्टेप वन में हमें फिर से यहाँ दो दो रिनबूम उठा के डिवाइड करना है। शुरुआत में जैसे बनाया था वैसे हमें दो दो रिनबूम उठा के डिवाइड करना है। सो अभी होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में भी सेम प्रोसेस, दो दो रिनबूम उठा के डिवाइड करते जाना है। बहुत सिंपल डिजाइन है दोनों ही, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। ऐसे करके दो दो डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ और एक सूता लगाना है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ चेंज किया है पिंक रेड करके, तो हम एक एक गैपिंग रख लेंगे। तो पिंक को लगा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने लगाया है रेड, ये देखिए रेड पिंक करके मैंने नेक्स्ट कलर को लगाया है ऐसे करके। सो हमने लगाया है पिंक रेड। स्टेप 3 में भी हमें सेम प्रोसेस जाना है। ऑरेंज दो रिनबूम इस साइड, ये भी उसका पीछे, रेड भी दो रिनबूम, ये दो रिनबूम इस साइड, दो रिनबूम उसका पीछे, दो दो करके और अभी का लगाया वाला भी उसका पीछे पीछे डिवाइड करेंगे। एक जो इस साइड और एक उस साइड में ऐसे करके। तो हमें दो दो रिनबूम करके डिवाइड करना है। पीछे पीछे अभी का लगाया वाला भी जाएगा। अभी होगा स्टेप 4। स्टेप 4 में भी सेम प्रोसेस, दो दो रिनबूम फिर उसका पीछे दो रिनबूम इस साइड, दो रिनबूम इस साइड, देखिए दो रिनबूम इस साइड, दो रिनबूम इस साइड, दो रिनबूम उस साइड, दो रिनबूम उस साइड, ऐसे करके दो दो करके हमें सूता को डिवाइड करते जाना है। बहुत सिंपल है। और उसके बाद अभी और एक कलर लगाएंगे वाइट। सो अभी वाइट फ्यूर लगाएंगे, सब में हम वाइट लगाएंगे। तो ऐसे करके अभी स्टेप 5 में हमें सेम प्रोसेस आगे जाएगा, उसका पीछे रेड, उसका पीछे वाइट, फिर ये भी दो रिनबूम इस साइड, फिर रेड दो रिनबूम, फिर वाइट दो रिनबूम। तो ऐसे करके दो दो रिनबूम करके हमें यहाँ से डिवाइड करते जाना है। सेम है, हमें दो दो रिनबूम करके डिवाइड करते जाना है। स्टेप 6 में हमें ये दो रिनबूम को उठा के क्रॉस करना है। एंड देन उसके बाद ये जो 6 रिनबूम को उठा के क्रॉस करना है। एंड देन उसके बाद ये 10 रिनबूम को उठा के क्रॉस करना है। फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ देखिए मिडिल का दोनों रिनबूम को उठा के हमें क्रॉस करना है। एंड देन उसके बाद ये रेड को 6 रिनबूम को उठा के क्रॉस करना है। अंदर का जितना हमें अभी इसको उठा के, इसमें 10 रिनबूम होगा, इसको उठा के क्रॉस करना है। तो ऐसे करके हमें
क्रॉस करना है। अभी सभी लाइन को एक जगह पे मिडिल में आ गया है ये जो तो अभी होगा स्टेप सेवन। स्टेप सेवन में हमें अभी अंदर साइड वापस जाना है। दो रूम रूम अंदर साइड, दो रूम रूम अंदर साइड, दो रूम रूम अंदर साइड। हमें यहाँ अभी सूता को अंदर साइड लेकर जाना है। दो रूम रूम अंदर साइड, दो रूम रूम अंदर साइड, ऐसे करके हमें अंदर साइड लेकर जाना है। सो हमें दो दो रूम रूम अंदर साइड लेकर अभी सूता को अंदर साइड लेकर जाना है। डिजाइन तो एक ही है, अंदर से दो दो रूम रूम उतार के ही करना है। अभी स्टेप एट, स्टेप एट में हमें व्हाइट को नीचे नमाना है क्योंकि व्हाइट जो मिडिल में पहुंच चुका है उसके लिए हमें नीचे नमाना है। बाकी दोनों सूता दोनों दो दो रूम रूम उतार के अंदर साइड वापस जाना है। यहाँ देखिए हमें व्हाइट को दोनों रूम रूम का साइड साइड से नीचे नमाना है। इसके बाद ये दो अंदर साइड दो दो रूम रूम उतार के अंदर साइड, जब तक मिडिल नहीं पहुँचेगा तब तक ये ऐसे ही सेम प्रोसेस में जाएगा। तो अभी स्टेप नाइन में दोनों रूम रूम अंदर साइड, दो दो अंदर साइड, ये भी दो अंदर साइड, ये भी अभी एक जो एक मिडिल में पहुँच गया है तो बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये भी नीचे नमेगा। तो ऐसे करके दो दो रूम रूम करके हमें अंदर साइड लेकर जाना है। देखिए दो अंदर साइड, दो रूम रूम उतार के अंदर साइड, दो रूम रूम उतार के अंदर साइड, दो रूम रूम उतार के अंदर साइड। सो अभी स्टेप टेन में हमें पिंक और रेड को नीचे नमाना है क्योंकि ये मिडिल में पहुंच चुका है उसके लिए। तो अभी सिर्फ ऑरेंज होगा। अभी ये पिंक भी नीचे नमेगा। देखिए दोनों रूम रूम का साइड साइड से हमें नीचे नमा लेना है। उसके बाद दो दो रूम रूम उतार के अंदर साइड लेकर जाना है ऑरेंज को। तो हमें इसको दो रूम रूम अंदर साइड, दो रूम रूम अंदर साइड। तभी होगा स्टेप इलेवन। स्टेप इलेवन में हमें फिर से सिर्फ ऑरेंज को दो दो रूम रूम करके अंदर साइड लेकर जाना है। तभी ये भी कम्प्लीट होने को है। नेक्स्ट में ये भी नीचे नमेगा। स्टेप ट्वेल्व, स्टेप ट्वेल्व में हमें दोनों रूम रूम का साइड साइड से ऑरेंज को भी नीचे नमा लेना है। ये देखिए दो दो रूम रूम का साइड साइड से नीचे नमा लेना है। सो फाइनली हमारा दोनों फूल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अगर आपको ज़्यादा फूल मोटा नहीं चाहिए बोलने से आप यही तक भी रख सकते हैं ये दो फूल में भी, लेकिन हम यहाँ और एक फूल बनाएंगे। ये देखिए अभी जो हमने फूल बनाया था उसका आधा, तो हमें यहाँ दो रूम रूम गैपिंग होता है इसका, यहाँ हमें सूता को लगाना है। सो अभी बनाएंगे नेक्स्ट फूल। तो नेक्स्ट फूल को बनाने के लिए हम यहाँ लगाएंगे सूता को। ये देखिए एक जगह यहाँ से दो रूम रूम को उतारना है। देखिए इसमें ये अभी का बनाने वाला फूल में दो दो रूम रूम गैपिंग होता है, तो यहाँ से हमें उतार के ये दोनों रूम रूम में सूता को लगाना है ऐसे करके। सो स्टेप वन में हमें दो दो रूम रूम उतार के डिवाइड करना है। एग्जैक्ट हमें यही अभी का हमने जो अभी फूल बनाया है इसका ही अदा को हमें बनाना है। सो यहाँ हम दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ से हमें यही फूल का सेम पार्ट को अदा को हमें बनाना है। तो हम आपको बना के दिखाया था, यहाँ से आप देख के बना लेना है इसका अदा को। ये देखिए एक जगह यही फूल का अदा को बनाना है। यहाँ देखिए हम जोर के दिखा देंगे, एक जगह यहाँ तक स्टेप सिक्स तक हमें बना के रखना है अभी का ये फूल। सो ये छोटा वाला फूल को हम बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बड़ा वाला में मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सो देखिए मैंने बना लिया है हाफ को भी, ऐसे करके आप भी ये हाफ को बना लेना है। सो और उसका सूता को मैंने लगाया है दो दो करके लगाया है, ज़्यादा मोटा सूता भी नहीं निकला है। तो ये है हमारा गल का पोरे मोगुल आज का। तो आई होप आप सभी को पसंद आए। सो अभी हमें अरुम पलक दूँ करना है। अरुम को तीन बार ऑरेंज, दो बार और रेड
एक बार, उसके बाद दो बार पकेटिंग करके एंड रूम को मैंने लगा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ तारोले बॉक्स सदुंग करेगा। तारोले बॉक्स को मैंने आप सभी को ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है कैसे करके इसको करता है। तो ऐसे करके इसको लगाने के बाद फाइनल लुक ये देखिए, फाइनली हमने तारोले बॉक्स को भी बना लिया है। सो फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, अभी हमें बस पोरिंग बनाना है। सो आई होप आप सभी को मेरा आज का ये पोरिंग मॉड्यूल पसंद आए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।